नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी के एक और नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंडिया के सारे नेशनल हाईवेज और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी और डिफरेंट एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं रोड नेटवर्क की। तो इंडिया का रोड नेटवर्क वर्ल्ड के बेस्ट और लार्जेस्ट रोड नेटवर्क के अंदर आता है। 40 लाख किलोमीटर लंबा ये रोड नेटवर्क है इंडिया का। वहीं बात करते हैं अगर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट हाईवेज की, तो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है NH7। NH7 हाईवे वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है और इसमें है 2369 किलोमीटर की लेंथ का ये हाईवे है और काफी लंबा हाईवे है, इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे माना जाता है NH7। सबसे स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो आता है NH47A। सबसे स्मॉलेस्ट हाईवे है ये इंडिया का और ये कनेक्ट करता है विलिंगटन आइलैंड को कोची से। याद रखिएगा, विलिंगटन आइलैंड को कोची से कनेक्ट करता है 47A NH हाईवे। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वाड्रिलेटरल की। ये है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट क्वाड्रिलेटरल जो कि इंटरसेक्ट करता है झांसी पे। अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे बड़ा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये और झांसी पे इंटरसेक्ट करता है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है इसके अंदर कि वो कौन सा एरिया है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सरफेस रोड्स हैं, या फिर कौन सा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सरफेस रोड्स हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा सरफेस रोड्स हैं और इसीलिए ये सन नंबर 1 की कैटेगरी में आता है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ सरफेस रोड की बात करते हैं तब। सो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेशनल हाईवे और जानते हैं कहां से कहां तक आते हैं नेशनल हाईवे। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं नेशनल हाईवेज के बारे में। सबसे पहले ये इंडिया का मैप है। सबसे पहले हम बात करेंगे NH1 की। NH1 हाईवे जो है वो नई दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करता है। अमृतसर जाने के लिए आपको अंबाला और जलंधर को पार करना पड़ता है इसके अंदर और ये कहलाता है NH1। ठीक है स्टूडेंट्स, NH1 अमृतसर टू दिल्ली या दिल्ली टू अमृतसर। इसके बाद बात करते हैं सेकंड हाईवे की। ये कनेक्ट करता है दिल्ली से कोलकाता और ये कहलाता है NH2 हाईवे। NH2 हाईवे दिल्ली से कलकत्ता कनेक्ट करता है और इसके लिए आपको पार करना पड़ता है मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और उसके बाद ये पहुंचता है कलकत्ता। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली से अगर कलकत्ता जाना है आपको तो आप लेंगे NH2, दो नंबर का रास्ता NH2। दिल्ली से कलकत्ता दो नंबर का रास्ता। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे याद करिएगा, दिल्ली से कलकत्ता दो नंबर का रास्ता, दिल्ली से अमृतसर एक नंबर का रास्ता। तो अमृतसर जाना है तो एक नंबर लीजिए, कलकत्ता जाना है तो दो नंबर लीजिए। इसके बाद NH3 आता है आगरा से मुंबई। अब आगरा से मुंबई जाने के लिए आपको तीसरे नंबर का रास्ता लेना पड़ेगा, मतलब थर्ड हाईवे NH3। आगरा से मुंबई जाने के लिए जो आपको पार करना पड़ेगा वो होगा ग्वालियर और नासिक। ग्वालियर और नासिक को पार करते हुए आप मुंबई पहुंचेंगे आगरा से। इसके बाद NH4 की बात करते हैं तो NH4 आता है थाने से चेन्नई। थाने महाराष्ट्र का एक पार्ट है, महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां से आप चेन्नई देखेंगे। नीचे एक रेड लाइन दिखा रहे हैं, रेड लाइन के थ्रू आप जा सकते हैं थाने से चेन्नई। और इसको पार करने के लिए आपको बैंगलोर से होते हुए जाता है, ये लाइन स्ट्रेट बनी है लेकिन यहाँ पर ये बैंगलोर से होते हुए जाता है। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कर्व होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था दिखाना, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन में दिखा दिया आपको कहाँ से कहाँ तक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए और आपको पता होना चाहिए मेनली NH हाईवे किसके और किसके बीच में है। बात करते हैं NH5 की। तो ये कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के लिए NH5 का यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं NH6 की। NH6 जो नेशनल हाईवे 6 है ये कोलकाता को धूला से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर कोलकाता को धूला से, जो मुंबई का यहाँ एक पार्ट है कोलकाता धूला। NH6 हाईवे काफी बड़े हाईवेज हैं ये भी और छोटे हाईवेज में आते हैं NH1 या फिर मैं पिछले उस साइड में बता चुका हूँ 47A। सो इसके बाद आते हैं अपने 7th हाईवे पे जो कि सबसे बड़ा हाईवे है, जिसका नाम है वाराणसी कन्याकुमारी हाईवे। NH7 सबसे बड़ा हाईवे है, इसकी लेंथ है वो है 2369 किलोमीटर्स। याद रखिएगा 2369 किलोमीटर्स। सबसे बड़ा हाईवे है जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसके बाद बात करते हैं NH8 की। दिल्ली से मुंबई तक कनेक्ट करने वाला है NH8 और ये है 8 नंबर का रास्ता। याद रखिएगा, दिल्ली से जो जो रास्ते जाते हैं उन्हें बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। NH8 जाता है नई दिल्ली से मुंबई तक और नई दिल्ली से मुंबई तक जाते हुए आपको पार करना पड़ता है जयपुर, वडोदरा और अहमदाबाद। जयपुर, वडोदरा और अहमदाबाद को पार करते हुए आप पहुंचते हैं मुंबई और ये रास्ता कहलाता है NH8। इसके बाद बात करते हैं हम अगले रास्ते की, जो है NH9। NH9 जो है वो विजयवाड़ा को कनेक्ट करता है मुंबई से। विजयवाड़ा को कनेक्ट करता है मुंबई से NH9 और NH24 यहाँ पर स्टूडेंट्स इंक्लूड कर रहा हूं मैं, देखिए ऊपर रेड लाइन में।
दिल्ली को कनेक्ट करता है लखनऊ से NH24। ये बहुत छोटे NH हाईवेज हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। एक जैसे कि NH10 है जो कि दिल्ली को फजिलका से कनेक्ट करता है, और NH26 है जो झांसी को लखडेन से कनेक्ट करता है। तो ये दोनों हाईवेज मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए हैं, बहुत छोटे छोटे हाईवेज हैं। आप याद रख सकते हैं दिल्ली को लखनऊ से कनेक्ट करने वाला 24 नंबर का हाईवे है, दिल्ली को फजिलका से कनेक्ट करने वाला NH10 है, और NH24 झांसी को लखडेन से कनेक्ट करता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल बुकवॉर्म्स ऑफ SSC को। सो गुड बाय।